अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल पढ़ेंगे कि सोडियम मेटल को हम इंडस्ट्रियल स्केल पर किस तरह से तैयार करते हैं। तो सोडियम मेटल को इंडस्ट्रियल स्केल पर हम डाउन सेल की मदद से तैयार करते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल मोल्टन सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। डाउन सेल क्या है? डाउन सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही आगे फर्दर टाइप है। उस डाउन सेल के अंदर हम पिघले हुए NaCl की मदद से, फ्यूज्ड NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, तो मोल्टन NaCl की मदद से हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इसके सेंटर में एक ग्रेफाइट का एनोड होता है और एक तरफ आयरन का बना हुआ कैथोड होता है। इन एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां पे हमारे पास NaCl के लिए इनलेट है, यहां से हम सोडियम क्लोराइड को एंटर करते हैं और ये हमारे पास पिघला हुआ NaCl या मोल्टन NaCl है। एनोड के ऊपर एक इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर होती है जहां से हम क्लोरीन गैस को कलेक्ट करते हैं और यहां से हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं। एनोड और कैथोड को अलग अलग करने के लिए हम स्टील गॉज का, ये एक स्टील की स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सोडियम और क्लोरीन जो के बनते हैं NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, ये उन दोनों को अलग अलग रखने में काम देती है। नेक्स्ट हम डाउन सेल की वर्किंग पढ़ते हैं कि डाउन सेल किस तरह से वर्क करता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। हमारे पास इस तरह से एक टैंक होता है, उसको हम फिल कर देंगे यहाँ पे मोल्टन NaCl से, पिघले हुए NaCl से। उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक बैटरी। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे उसको हम कैथोड कहेंगे, और वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको हम एनोड कहेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो इसके अंदर NaCl मौजूद था पिघली हुई फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, वो NaCl डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन आइंस में। अगर 1 मोल NaCl हो तो 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोरीन आयन बनेंगे। अगर 2 मोल NaCl हो तो 2 मोल क्लोरीन आयन और 2 मोल सोडियम आयन। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्लोरीन के आयन्स और सोडियम के आयन्स मौजूद हैं। अब क्योंकि क्लोरीन के आयन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन के आयन्स जो हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पर जाके ये वहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो वायर में से होता हुआ कैथोड तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो क्लोरीन का आयन है वो भी एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एनोड पर हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम बन जाते हैं, क्योंकि आयन्स ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पीछे 2 क्लोरीन के एटम बन गए। तो ये दोनों क्लोरीन आपस में मिलके Cl2 गैस बना देते हैं। तो एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ? पहले तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं आयन में से। तो क्या हुआ, जो 2 क्लोरीन के आयन्स थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कन्वर्ट हो गए Cl2 गैस में। तो डाउन सेल में एनोड पर हमारे पास कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस बनती है, जिसको हम इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर में से कलेक्ट कर लेते हैं। अब सोडियम के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कैथोड की तरफ मूव करता है, और कैथोड की तरफ मूव करके वो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किए थे ये उन इलेक्ट्रॉन को जाके गेन करता है। तो दोनों सोडियम जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम के मेटल में। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ? कैथोड पर रिडक्शन हुई क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पे क्या रिएक्शन हुआ कि 2 हमारे पास सोडियम के आयन्स थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कन्वर्ट हो गए सोडियम के मेटल में। अब अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं कि एरो के लेफ्ट और राइट साइड पे जो सेम चीजें होती हैं उनको हम कट कर देते हैं। तो 2 सोडियम के आयन्स से 2 क्लोरीन के आयन, ये क्लोरीन के आयन से कैंसिल हो जाएंगे।
दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो चीजें बाकी बची उनको हम लिख देंगे, तो हमारे पास बचा 2 मोल NaCl। तो जब इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है और साथ में बनता है सोडियम मेटल। इस सोडियम मेटल को हम अलग कर लेते हैं, इसी को हमने तैयार करना था। क्लोरीन गैस जो है ये हमारे पास एज ए बाय प्रोडक्ट जो है बनती है। तो इस तरह से हम सोडियम मेटल को इंडस्ट्रियल स्केल पर डाउन सेल की मदद से प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।